Hello everyone, so welcome back to my channel. So this is going to be the last and third part of my Goa vlog. तो इससे ज़्यादा और नहीं पकाऊंगी, बस ये last है. And if you are watching me for the first time, please subscribe कर दो यार. अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30. मैं अपने आँखों में नींद और दिल में सुकून लिए हुए चल पड़ी हूँ कैंडोलिम बीच की ओर. गोवा की सड़कें, सब कुछ बंद है ना. रात में ये सब चमकते धमकते रहता है, यहाँ भी सारे बंद हैं. एट 7:30 इन द मॉर्निंग. लुक एट दिस क्यूट कैटी. वाओ, सो वाइट. सफ़ेद कैट. मुझे वैसे कैट्स पसंद नहीं है, बट अच्छे दिख रहे थे. आई लव डॉग्स. ये सब अच्छी दिखती है. ये लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है वापस इसको जमाने में, इसके ऊपर लाइटिंग्स लगाने में और इसको बहुत सुंदर बनाने में. फिर ये लोग जैसे ही रात होता है 1-2 बजते हैं, फिर वापस से ऐसे स्टोर करके रखते हैं, फिर वापस से दिन में लगाते हैं. बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है. इसी के तो पैसे छापते हैं. अरे यार, ये तो दूसरा जगह आ गया. मेरे को रास्ते याद ही नहीं रहते हैं, इसलिए अकेले कहीं आना मीन्स भटक जाना. अब मैं भटक चुकी हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को. सो फाइनली आफ्टर लोड्स ऑफ हासल मैं फाइनली होटल पहुंच गई. और ये वाली स्कूटी हमने एक दिन पहले रेंट की थी. और अगर आपको इस प्रॉपर्टी का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं 2-3 मिनट्स का मिनी व्लॉग बना दूंगी. सो आफ्टर रीचिंग आई डिड माई स्किन केयर, टुक शावर एंड हैड माई ब्यूटिफुल ब्रेकफास्ट. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. So today I'm going to explore one of the most hyped place in the internet. भाई हर यूट्यूबर यहाँ जा रहा है तो मैंने सोचा चलो आपको भी लेकर के चलती हूँ. So yeah, going there. So कैंडोलिम से क्वेरिम बीच ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है. हेलो. सो क्वेरिम कम्स अंडर हिडन जेम ऑफ गोवा, जहाँ एक केव है जो कि कम्प्लीटली पानी से फिल्ड अप होता है. तो अभी बज रहे थे दोपहर के 1 और हमको वहाँ पे जाने नहीं मिला क्योंकि वेव्स की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है. तो यार ये सब पते की बात इंस्टाग्राम में कोई नहीं बताता है. सो इफ़ यू प्लान फॉर क्वेरिम बीच तो आप ज़्यादा टाइम ले करके आओ ताकि आपको वो केव एक्सप्लोर करने को मिल सके. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई हेडेड टूवर्ड्स नेक्स्ट लोकेशन, दैट इज़ आरम्बोल बीच. इट इज़ जस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम क्वेरिम बीच. कितनी लकी गाय है गोवा की गाय. वन इम्पॉर्टेंट अपडेट, अभी तक मैं जितने भी बीच गई हूँ इस ट्रिप में, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट एंड हॉटेस्ट बीच. यहाँ का रेत भी जब पैर में पड़ रहा था ना तो जल रहा था. तो अप्रैल का मंथ है, मे बी, आई डोंट नो, या तो आरम्बोल हमेशा ही गर्म रहता है, मे बी. अभी बज रहे हैं शाम के 6:30. गोवा आए और सनसेट नहीं देखा तो क्या फ़ायदा. सो पर्पल मार्टिनी एंड लश दो बहुत फेमस सनडाउनर है अंजुना बीच में. सो आई चूज लश क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री फी वगैरह नहीं है. प्लस लुक एट द क्राउड एंड व्यू गाइस, इट्स ब्यूटीफुल. सो आप सी फेसिंग एरिया पे भी बैठ के इंजॉय कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी. I
सो आफ्टर शॉपिंग अ बिट ऑफ थिंग्स आई हैड माई डिनर एंड कॉल्ड इट अ नाइट क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी. So this is it for today's vlog. I hope you all loved my Goa travel series. And if you did, please subscribe to my channel and please hit the like button. Bye!